दूसरा है शिव तत्व, शिव जी के बारे में जानना भी डिफिकल्ट है, और तीसरा एक तत्व है वो है राधा तत्व। ये बहुत ऊंचा है, बड़े बड़े जो भक्त, शुद्ध भक्त देवतागण जो है, ब्रह्मा जी शिव जी, ये भी समझ नहीं पाते। तो राधाष्टमी के दिन राधा रानी के बारे में कुछ बोलना, अपनी तो कुछ विचार प्रकट करना, ये बहुत ऊंचा एक ऐसा एक स्थान है, ये समझना बड़ा कठिन है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने जो हमें किताबें दी है उनके माध्यम से प्रभुपाद जी ने कहा था कि जो किताबों में दिया है उसे डिस्कस करके हम अपने आप को शुद्ध बना सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि कुछ प्रभुपाद के किताबों के माध्यम से, प्रभुपाद के अनुयायियों के लेक्चर के माध्यम से हम कुछ आज शब्द कुछ कहेंगे श्रीमती राधा रानी के ग्लोरिफिकेशन में, उनके जय जयकार में। आशा करते हैं श्रीमती राधा रानी, श्री प्रभुपाद और आप सब प्रसन्न हो जाएंगे उससे। तो एक बार श्री प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा, प्रभुपाद जी ये संसार भगवान कृष्ण ने क्यों बनाया, भौतिक संसार की रचना भगवान श्री कृष्ण ने क्यों की। श्री प्रभुपाद ने कहा, भोग करने के लिए। किसके करने, क्या करने, भोगने के लिए। तो डिवोटी थोड़ा अचंभित हो गया, प्रभुपाद ऐसा कैसे बोल रहे कि भगवान श्री कृष्ण ने ये संसार भोग करने के लिए किया। थोड़ा अचंभित हो गया वो थोड़ा। तो प्रभुपाद जी समझ गए, प्रभुपाद ने कहा, हमारे भोग के लिए नहीं, कृष्ण के भोग के लिए। तो इम्पोर्टेंट है कि जब हम ये भूल जाते हैं किसके भोग के लिए, तब प्रॉब्लम होता है। प्रिंसिपल पूरा क्लियर है कि ये संसार जो भी है, भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, ये किसके लिए है, भगवान कृष्ण के लिए। भगवान कृष्ण के भोग के लिए क्यों है, कि भगवान जो है उसके स्रोत है, राइट, प्रोपराइटर है, कंट्रोलर है। इसे ने कहा था GOD का मतलब है जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर गॉड, राइट। सब कुछ भगवान श्री कृष्ण है, तो उसके भोक्ता भी वही है। तो भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है सुप्रीम एंजॉयर, परम भोक्ता, और श्रीमती राधा रानी को कहा गया है परम भोग्य, सुप्रीमली एंजॉयड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जब भगवान सुप्रीम एंजॉयर है या अनलिमिटेड एंजॉयर है, सब कुछ उनका है, सब कुछ उसके भोग का भी वही है, और कितना भोग करने की कैपेसिटी उसमें है, तो भगवान श्री कृष्ण में है, अनलिमिटेड है। हमारी कितनी कैपेसिटी है भोग करने की, लिमिटेड है। सोच लीजिए, हमने मन में विचार कर लिया कि आज मुझे थोड़ा बड़ी खाने की इच्छा है, रसगुल्ला, राइट, फास्टिंग चल रहा है, फास्टिंग के बाद खाना, तो रसगुल्ला खाने की इच्छा है, तो आपको रसगुल्ला दिया जाएगा। तो जी आपके लिए जो मिठाई का दुकान है ना, रसगुल्ला भूसा और सबसे फेमस दुकान मिठाई का, वो आपके लिए पूरा खुला है, जितना रसगुल्ला खाना खाइए आप। मुझे कितना खा सकते हैं आप, एक दो खा लेंगे, तीन खाने के बाद थोड़ा लगेगा बहुत हो गया, अगर पांच खिला दिया तो क्या हो जाएगा, पेट पूरा पैक, और आपको छठा खिलाने जाएंगे हम तो भाग जाएंगे आप उस रसगुल्ला को देख के। जो रसगुल्ला के देख के आपके मुंह में पानी आ रहा था, छह रसगुल्ला के बाद में आपकी आंखों में पानी आएगा उसको देखकर, क्योंकि भोग करने की हमारी कैपेसिटी कितनी है, लिमिटेड है। लेकिन भगवान की कैपेसिटी कितनी है, अनलिमिटेड है। तो सोचिए, अगर भगवान श्री कृष्ण आपके सामने खड़े हो गए या दुकान के सामने खड़े हो गए, मिठाई के दुकान के सामने, और भगवान ने कहा मुझे अनलिमिटेड रसगुल्ला खिलाओ, हमारे पास कैपेसिटी नहीं होगी उन खिलाने के लिए। छह क्या, 600 खाने के बाद भगवान बोलेंगे और अन्य और चाहिए, 6,000 खिलाएंगे फिर दुकान को बंद करना पड़ेगा, अरे बाबा होगा नहीं, क्षमा करना। तो भगवान की कैपेसिटी अनलिमिटेड है भोग करने की। तो भगवान को भोग देने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान के लिए आनंद प्रदान करने के लिए श्रीमती राधा रानी की कैपेसिटी कितनी है, अनलिमिटेड देने की। तो अनलिमिटेड ले रहे हैं और अनलिमिटेड दे रहे हैं, और हमें ये समझ में कितना आ रहा है, लिमिटेड आ रहा है, ये हमारा कैपेसिटी। तो भगवान श्री कृष्ण अनलिमिटेड एंजॉयर है और श्रीमती राधा रानी अनलिमिटेड एंजॉयमेंट या एंजॉयड है। तो ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि भगवान ऐसे नहीं कि वो कोई ऐसे व्यक्ति है इसको भोगने की इच्छा है, नहीं, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन ही भोगना है।
जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवदगीता में कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरा। भोक्ताराम है वो, उनका नेचर उनका स्वभाव ही है वो भोक्ताराम। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कभी कभी ना, कुछ कुछ बड़े बड़े अमीर लोग, उनका जो कभी बहुत बड़ा बड़ा उनका एक कुछ होता है ना एंजॉयमेंट, वो कभी कभी अखबार में आता है। जैसे कुछ सालों पहले अखबार में एक ऐसा आर्टिकल आया था कि एक अरब अरब यानी मिडिल ईस्ट में रहने वाला व्यक्ति, उसके पास इतना पैसा हो गया था ऑयल से, उसके पास ऑयल का, उसके पास बहुत बड़ा लैंड था, जमीन था, उसके अंदर ऑयल के वेल्स बावड़ी थे, इतना ऑयल निकाला, इतना ऑयल बेचा कि इतना पैसे वाला हो गया। पेपर आर्टिकल, हाँ न्यूज पेपर में आर्टिकल है कि उसने एक खुद का विमान खरीद लिया। जैसे विमान होता है ना, इस विमान जाते हैं लोग, छोटे विमान, बड़े बड़े विमान जो विदेश में जाती है, उस पूरे विमान को उसने खरीद लिया। उस विमान के अंदर से सारा सीट निकाल दिया उसने, सोचिए, और सिर्फ चार पांच सीट रखे, इसके लिए उसके और उसके परिवार के लिए, और बाकी पूरे विमान में क्या कर दिया, शॉपिंग मॉल होटल होटल खोल दिया। और शॉपिंग मॉल होटल में क्या है, सब लोग वेटर वेटर और सब सब कुछ मिलेगा, लेकिन उसमें कस्टमर कौन है, कस्टमर वो और उसकी पत्नी और उसके बच्चे। तो कभी मूड आ गया ना तो वो प्लेन में बैठता था और चार घंटा ऊपर घूम के अपना शॉपिंग करके नीचे आता था। तो ये आर्टिकल न्यूज़पेपर में आ गया कि कितना आदमी अमीर है कि उसके पास खुद का प्लेन है, जब मन वो किसी पे डिपेंड होता नहीं है। ऐसा नहीं कि उसको शॉपिंग मॉल जाना है, बिग बाजार या डी मार्ट जाके वहाँ शॉपिंग करेगा, वो डी मार्ट और बिग बाजार को भूल गया, वो उसका खुद का शॉपिंग मॉल है, वहां जाके शॉपिंग करता है जितना जी चाहे उतना, खुद का होटल है, जो खाना खाता है। ऐसे नहीं होटल में गया तो अरे अभी भीड़ होगी बाद में आते हैं, नहीं, कभी भी उसका होटल। तो जब हम ऐसे लोगों के बारे में सुनते हैं, अखबार में आर्टिकल आता है, तो बोलते बाप रे कितना अमीर है, क्या कितना एंजॉयमेंट कर रहा है, राइट। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनते हैं कि वो भी एंजॉयर है, तभी लोग ईर्ष्या करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा भगवान कैसे कर सकते हैं। देखिए कितना अद्भुत है, भूसावल में कोई रिच आदमी होगा, कोई बड़ा अमीर आदमी होगा, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और कितनी कितनी श्रीमंत है, चर्चा करें 5 गाड़ियां है, जैसे 10 बंगला है, अपन कौतुक करते हैं, लेकिन हम थोड़ा कौतुक करते हैं कि इसको इतना है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का सुनते हैं तो लोग ईर्ष्या करते हैं। अगर एक अरब के पास कुछ ऑयल निकालने के बाद एक प्लेन है, और बड़े बड़े अमीर लोगों का खुद का बंगला है, जैसे उदाहरण के रूप में कभी कभी ना लोग एंजॉयमेंट करने के लिए सी बीच में आते हैं, यानी समुद्र तट पे आते हैं, वहां पर वो बड़े बड़े बीच में आके वहां पर आनंद भोगते हैं। अभी तो जैसे उदाहरण के रूप में मुझे आजकल बोला किसी ने कि ना आजकल लोग बाहर जाते नहीं, कोविड चल रहा है, फिर भी ना मालदीव्स करके एक आइलैंड है बाहर अरब इधर इंडियन ओशन अरबियन ओशन अरब महासागर, वहां पर आजकल बहुत लोग अमीर लोग जाते हैं, और आजकल बहुत सारे एयरलाइंस उसका एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं, आइए मालदीव्स आइए। तो देखिए लोगों की बड़ी इच्छा है कि वो समुद्र तट पर जाए, लेकिन जो अमीर होते हैं ना अमीर लोग मालदीव जाते नहीं, उनका खुद का खरीदा हुआ अपना प्राइवेट बीच होता है, प्राइवेट समुद्र तट होता है। और कभी कभी लोग जो ना आइलैंड में जाते हैं, द्वीप में आते हैं, जैसे ऐसे हमारे इंडिया भारत का मुंबई में है ना एलिफेंटा आइलैंड, ऐसे बहुत सारे आइलैंड समुद्र के अंदर एक द्वीप होता है, मालदीव एक आइलैंड है, लेकिन बहुत अमीर व्यक्ति है ना उसका खुद का ही आइलैंड होता है। तो खुद का आइलैंड है, खुद का बीच है, खुद का प्लेन है, हम कौतुक करते हैं। कृष्ण का खुद का धाम है वृंदावन, खुद के उनकी गोपियां हैं, खुद का उनका पूरा परिवार है, लेकिन वो जब लीला करते हैं तो हमें ईर्ष्या होती है। क्यों ऐसा होता है? कारण एक ही है, क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानते नहीं। जब भगवान श्री कृष्ण के बारे में हम जानने लगेंगे कि ये भगवान जो है कोई साधारण मनुष्य नहीं है भोग करने वाला, ये जो है ये भगवान स्वयं उनके हृदय से, उनके शरीर से, उनके कल्पना से, उनके इच्छा से पूरा संसार प्रकट हुआ है। तो जब तक हम ये जानते नहीं, तब तक थोड़ा ईर्ष्या हमेशा हमारे पास रहेगा। यूएस में अमेरिका में एक लड़का था, उसे बहुत इच्छा थी कि मैं
संसार में बहुत श्रीमंत व्यक्ति बन जाओ और बहुत कमाओ पैसे और बहुत एंजॉय करो। लेकिन वो कर नहीं पाया, तो उसे किसने बोला कि आप जो है ना आपके आपके धर्म में जो है ना आपके चर्च में जाइए, वहाँ आप आपके भगवान से प्रार्थना करेंगे तो वो आपको बहुत एंजॉयमेंट देंगे। तो उसने बहुत प्रार्थना किया चर्च में जाके, बहुत जाता था चर्च में प्रार्थना कर प्रेयर्स करता था, लेकिन ज्यादा उसको बेनिफिट नहीं मिला। तो उसने कहा चलो अभी चर्च में नहीं होगा, चलो मस्जिद में जाते। तो चर्च में जाता था संडे को, मस्जिद में फ्राइडे आता था, और मस्जिद में आके वो मन्नत मांगता था। थोड़ा उसका एंजॉयमेंट और बढ़ गया, थोड़ा वो और श्रीमंत बन गया, लेकिन खुश नहीं था, उसको और श्रीमंत बना। फिर किसी ने कहा गुरुद्वारा में जाओ, तो गुरुद्वारा में गया। उसके बाद गुरुद्वारा भी चालू रखा, मस्जिद भी चालू रखा, चर्च भी चालू रखा, फिर वो मंदिर में जाने लगा। मंदिर में तो पूरा सातों सातों दिन ना वो अलग अलग गिरजाघर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा या फिर बाकी जो है जैन मंदिर सब जगह जाने लगा प्रार्थना करने के लिए, ताकि वो अमीर बन जाए और बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट करे। तो एक दिन जब वो कोई मंदिर जा रहा था तो उसको एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला डिवोटी मिल गया। तो उसने उसे बात करते करते कन्विंस कर लिया कि तुम भगवद गीता खरीदो। तो उसने सोचा कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ इतना भगवान से, और डिवोटी ने बोला उनको कि ये सबसे बेस्ट बुक है, इसमें पता चलता है कैसे प्रार्थना करना चाहिए और क्या प्रार्थना करना चाहिए। तो उसने भगवत गीता उठा ली, सोचने सोचे कि तो इसमें से पढ़ूंगा कैसे क्या प्रार्थना करना है, ऑलरेडी प्रार्थना कर रहा हूँ सातों सातों दिन तो अच्छे से प्रार्थना करेंगे। तो भगवत गीता पढ़ते पढ़ते उसका एक नजर गिरा एक प्रभुपाद के तात्पर्य में, जिसमें एक बार एक एक ही ओड़ी एक लाइन लिखा था। क्या लाइन लिखा था? We are constitutionally not the enjoyer. हमारा स्वरूप स्थिति है कि हम भोग नहीं कर सकते। तो आचारा हटाक का बका रह गया कि हमारा स्वभाव ही है कि हम भोग नहीं कर सकते, और मैं इतना ट्राई कर रहा हूँ भोग करने का, तो इसका मतलब है मैं सिर्फ निराश ही होने वाला हूँ इस। तो उन्होंने पूरी आशा छोड़ दी, और उनको मालूम पड़ गया पूरा फिलोसफी अभी कि भोग करने वाले व्यक्ति एक ही है, वो भगवान। और हमें अगर आनंद प्राप्त करना है तो श्रीमती राधा रानी से सीखना चाहिए कि श्रीमती राधा रानी जब कृष्ण को सारी सेवा करती है, भोग प्रदान करती है, तो उनको बहुत आनंद आता है। उसी तरह हमको आनंद करना है तो हमें खा के आनंद नहीं करना है, हमें दे के आनंद मिलेगा। जिस प्रकार से श्री प्रभुपाद जी ने कहा, हमारा शरीर जो है ना, हमारे शरीर में क्या क्या अंग है? आंख है, नाक है, जीवा है, कान है, पेट है, पैर है, हाथ है, राइट? अगर हमारे शरीर के सामने एक रसगुल्ला रख दिया, रसगुल्ला रख दिया, तो उस रसगुल्ला को क्या हमारा हाथ भोग सकता है? नहीं। क्या हमारे आंख से हम भोग सकते हैं? नहीं। आंख से अगर आपको आंख से रसगुल्ला दिखा आपको अच्छा लगे, वाह कितना अच्छा रसगुल्ला है, लेकिन रसगुल्ला को कहाँ डालना पड़ेगा आपको? एक ही जगह पर मुंह में जाना पड़ेगा, राइट राइट ना? आग से आप रसगुल्ला का रस डालेंगे आग के आई ड्रॉप्स नहीं, आपको रसगुल्ला आपके मुंह में डालना पड़ेगा। आपके हाथ में रसगुल्ला को देखा थोड़ा स्पर्श किया, वाह कितना स्पंजी है, लेकिन अल्टीमेटली हाथ को कहाँ डालना पड़ेगा? मुंह में डालना पड़ेगा। नाक से आप सुनेंगे आए सुगंध आए, पर नाक में डालेंगे? नहीं, मुंह में डालना पड़ेगा। तो सारे इतने सारे शरीर के अंग में, सिर आंख नाक कान हाथ पैर, सारे को कोई इस रसगुल्ला को भोग नहीं सकता। उनको भोगना है तो कहाँ डालना पड़ेगा? ठंडा जीवा के ऊपर। जैसे जीवा पर जाएगा इमीडिएटली सारे इंद्रियों को क्या मिलेगी? तृप्ति मिलेगी। खाएंगे तो अंदर पेट में जाएगा, हजम होगा और शक्ति मिलेगी हाथों को आंखों को नाक को कान को। तो यही फॉर्मूला है। हम सब लोग इस संसार में भोगने की इच्छा कर रहे हैं लेकिन नहीं भोग सकते, लेकिन जब समझ जाते हैं कि हमको भोगना है, सच में आनंद लेना है और तृप्ति प्राप्त करनी, तो एक ही जगह भोग डालना पड़ेगा, वो है भगवान के चरणों। जब उनको हम भोग देंगे तो उनका जब संतुष्टि हो जाएगा तो उन संतुष्टि से मैं भी संतुष्ट हो जाऊंगा। और ये प्रिंसिपल हम सीखते किससे? श्रीमती राधा रानी से। कैसे? वो अनलिमिटेडली भगवान श्री कृष्ण को भोग दे रही है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को जानना आवश्यक है, और इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में इतनी सारी किताबें दी है। क्यों?
ताकि हमारे भक्त जो पढ़े और जाने कि भगवान जो है क्या है, सुप्रीम एंजॉयर है और उनको एंजॉयमेंट देने में ही हमारा आनंद है। तो प्रभुपाद ने इतनी सारी किताबें लिखी, भगवद गीता, श्रीमद भागवतम, चैतन्य चरितामृत, राइट। श्रील प्रभुपाद जी ने भगवद गीता के द्वारे में भगवद गीता के द्वारा भगवान कौन है, भगवान का आइडेंटिटी क्या है, ये समझाया है भगवद गीता। भगवद गीता इज कृष्णास आइडेंटिटी। श्रीमद भागवतम में प्रभुपाद जी ने ग्रंथ दिया है हमें और भागवत के द्वारा हमें समझाया है कृष्णास एक्टिविटी। तो भगवान के बारे में समझाया है गीता में भगवान कौन है, भागवत के बारे में समझाया कि भगवान की क्या क्या गतिविधियां है, भगवान की क्या क्या लीला है, भगवान का कैसा संबंध है उनके भक्तों के साथ। तो कृष्णास आइडेंटिटी भगवद गीता, कृष्णास एक्टिविटी भागवतम, और चैतन्य चरितामृत में कृष्णास माइंड, भगवान का मन समझ गया। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपने मन में सोच रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी का इतना प्रेम है मुझ पर, मुझे मालूम नहीं ये प्रेम कितना है, क्या प्रेम है, इसको जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, उस प्रेम का आस्वादन करने के लिए। ये भगवान के मन की जो अंदर गतिविधियां हो रही है, अंदर वो कल्पना, वो हमें चैतन्य चरितामृत ग्रंथ के द्वारा हमें प्रकाशित हो रहा है। तो देखिए श्रील प्रभुपाद की कितनी असीम कृपा है सारे विश्व भर में, कि उन्होंने भगवद गीता, श्रीमद भागवतम, चैतन्य चरितामृत सारा ग्रंथ पढ़ो और भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करो, ताकि हम समझे कि हम भगवान की सेवा करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। तो हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना और श्रीमती राधा रानी के मार्गदर्शन में सेवा करना चाहिए। कैसे सेवा करना चाहिए ये सीखना है तो श्रीमती राधा रानी सबसे बेस्ट सर्वेंट है, सबसे बेस्ट जो डिवोटी है वो सिखाएगी हमें कैसे किस भाव में सेवा करना चाहिए, राइट। सेवा करना एक है, दूसरा है सेवा सही भाव में। ऐसे उदाहरण के रूप में अभी देखो मेरे सामने रास यात्रा प्रभु बैठे, तो रास यात्रा प्रभु अगर मुझे मिलेंगे, फिर से मैं रसगुल्ला का उदाहरण दे रहा हूँ, आप सोचेंगे रसगुल्ला का उदाहरण क्यों दे रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि मुझे रसगुल्ला पसंद है, लेकिन एक उदाहरण बार बार देने से थोड़ा समझता है, लोग समझ जाता है, तो शायद आज 12 बजे के बाद आपको रसगुल्ला खाने की इच्छा भी हो जाएगी। तो अगर मैं रास यात्रा प्रभु को आके बोलूँ प्रभु जी आप प्रेम से, प्रभु जी आप रसगुल्ला लेंगे, ये श्री राधा गोपीनाथ को अर्पण किया हुआ महाप्रसाद, जब प्रेम से दूंगा तो कितने प्रेम से आनंद से लिए, थैंक यू वेरी मच बोले। तो मैंने रसगुल्ला दिया, कैसे दिया, मेरा भाव क्या था, प्रेम से था, लेकिन वो ही रसगुल्ला लूंगा और कहा लूंगा, क्या खा ऐसा बोलेंगे, हाँ कैसा लगे रास यात्रा आपको, खा लो रसगुल्ला, खाते नहीं कुछ नहीं, राधा गोपीनाथ का महाप्रसाद है, तो उनको बुरा लगेगा ना, रसगुल्ला खाने के टाइम कैसे प्रभु जी, प्रेम से बोलना चाहिए। तो देखो सेवा करना एक है लेकिन सेवा का भाव भी इम्पोर्टेंट है। तो हम कुछ सेवा कर रहे हैं लेकिन भाव कैसा होना चाहिए, ये श्रीमती राधा रानी हमें सिखाए। तो ये ज्ञान हमें श्रीमती राधा रानी के माध्यम से, श्रीमती राधा रानी और उनके पूरे पार्टी जो है ना, उनके गोपिया मंजरी, उनके भक्त जो है हमारे गुरु तत्व गुरु, हमारे गुरु महाराज श्री प्रभुपाद, ये सब वही पार्टी में है, उनके द्वारा हमें भाव मालूम पड़ रहा है। तो श्रील प्रभुपाद जी एक बार मुंबई में थे और मुंबई में जब थे तो उनको एक न्योता मिला, इनविटेशन मिला एक प्रोग्राम में आने का। ये प्रोग्राम बिरला, जो बड़े बिरला जो है इंडस्ट्रियलिस्ट, उनके घर का प्रोग्राम था। तो उनकी जो पत्नी बिरला जी की, उन्होंने गिरिराज महाराज से मिले थे, वो गिरिराज महाराज उनके पास जाते थे, उनको लाइफ मेंबरशिप बनाया उनको। तो उस समय उन्होंने कहा कि गिरिराज महाराज ने उनसे पूछा कि मेरे स्पिरिचुअल मास्टर गुरु श्री प्रभुपाद जी बॉम्बे में है, वो प्रोग्राम कुछ कर सकते हैं अगर आप अरेंज किया तो बिरला जी की जो वाइफ थी उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप प्रभुपाद जी को बुलाइए हमारे घर पे, मैं अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स फैमिली सर्कल को बुलाती हूँ। तो बिरला के फैमिली सर्कल है ना, बड़ा फैमिली सर्कल होगा ना, तो अच्छा चांस है प्रभुपाद जी को प्रचार करने। तो 2 दिन पहले गिरिराज महाराज को उन्होंने कहा कि आपके गुरु महाराज को बोलिए कि जब आएंगे लेक्चर, तो लेक्चर का टॉपिक दिया, क्या टॉपिक है, सीक्रेट ऑफ सक्सेस। यश जीवन का, यश का क्या, सक्सेस क्या बोलते उसको,
सफलता का मार्ग, सफलता का राज। तो शिल प्रभुपाद गांधी प्रभुपाद आपको इस पे लेक्चर दे रहा है, तो ये सेमिनार ऐसा होगा ना, सीक्रेट ऑफ सक्सेस का टॉपिक, मतलब कोई सेमिनार है कॉलेज कोचिंग का। तो प्रभुपाद जी गए और प्रभुपाद ने शुरुआत कैसे की लेक्चर की, ज्यादा लाइक बड़ा प्रभुपाद का लेक्चर समय छोटा होता है, आधे घंटे का मैक्सिमम 40 मिनट। प्रभुपाद ने शुरुआत किया कि भगवान श्री कृष्ण जो है ना, ये सारे चीजों के स्रोत है, भौतिक आध्यात्मिक सारा, सर्व कारण कारण, कृष्णा इज अ कॉज ऑफ ऑल कॉज, सारे कारणों के कारण। और भगवान श्री कृष्ण जो है ना, इनके विविधाय श्रूयते, यानी इतने सारे उनके शक्तियां हैं, अनेक शक्तियां, कितनी शक्तियां, अनलिमिटेड एनर्जीज, फिर प्रभुपाद ने कहा। लेकिन उसमें से प्रमुख जो तीन, जिसका विश्लेषण साधुओं ने, मुनियों ने, या फिर भक्तों ने किया है, आचार्यों ने, वो है तीन उनकी शक्तियां है। एक है अंतरंग शक्ति, दूसरा है बहिरंग शक्ति, और तीसरा है तटस्थ शक्ति। तो प्रभुपाद डिटेल बोल रहे हैं, प्रभुपाद देखो लेक्चर क्या दे रहे हैं, सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सफलता का राज। प्रभुपाद बोल रहे कृष्ण, कृष्ण की अनेक 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 शक्तियां है, तीन प्रमुख शक्तियां है। प्रभुपाद ने उसको और डिटेल में बताया, बहिरंगा शक्ति यानी माया देवी, इस संसार में इसका राज है वो है बहिरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति श्री प्रभुपाद जी कहे ये आध्यात्मिक जगत है, जहाँ पर श्रीमती राधा रानी उसकी अधिष्ठाता देवी है। अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति यानी हम जीव तत्व। तो प्रभुपाद बाद में बहुत अच्छे से बताए, सुनिए ध्यान से। प्रभुपाद बोले अभी हम सब कहाँ पर है, तटस्थ शक्ति जो हम है हम, वो अभी हम बहिरंगा शक्ति में हम फंसे हुए, मटीरियल एनर्जी। लेकिन हमें अपने आप को ट्रांसफर करना है, जिस प्रकार से आप गवर्नमेंट में काम करते हैं ना, तो आपको ट्रांसफर होता है 3 साल में या 1 साल में, वट एवर, भुसावल से औरंगाबाद, औरंगाबाद से जलगांव, जलगांव से जलगांव से जालना, वट एवर, डिफरेंट ट्रांसफर होता है, गवर्नमेंट पोस्ट है। प्रभुपाद ने कहा हमें अपने आप को बहुत बहिरंगा शक्ति से ट्रांसफर करना है अंतरंगा शक्ति में। प्रभुपाद ने कहा दिस इज सीक्रेट ऑफ सक्सेस, यही सफलता का राज है। तो देखिए प्रभुपाद ने पूरे सफलता का राज को एकदम कंडेंस करके बता दिया, सफलता कब मिलेगी, जब हमें अपने आप को माया देवी से निकाल कर राधा रानी के चरणों में समर्पित करना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कैसे श्रील प्रभुपाद जी ने एक सुंदर रूप से एक सीधा उदाहरण देके हमें समझाया कि जब तक हम हमारे माँ का सबसे सर्वोच्च जो हमारी माँ है श्रीमती राधा रानी, उनका शरण नहीं लेंगे, हम अपने पिता को शरण में जा सकते नहीं है। तो हमारी माँ कौन है, श्रीमती राधा रानी, सबसे सर्वोत्तम माँ हमारी माँ है, हमारे पास है, हमारे बहुत प्रेम करती है हमारी माँ को, हम अपनी माँ को। लेकिन इस तरह से हमारे अनेक माँ थी, हमारे हर जन्म में एक माँ है, उसके अलावा हमारे इतने सारे माता है, इसे शास्त्रों में लिखा है, सात प्रकार की माताएं बोलते हैं, गुरु माता, ब्राह्मण पत्नी, उसके बाद नर्स, गो माता, ये सब बहुत सारे हमारी माता है। लेकिन सबसे ऊंचा पद जो है श्रीमती राधा रानी का। तो एक बार कुंभ मेले में, कुंभ मेला जब होता है तो वहां पर बहुत भीड़ होती है, कितने लोग आते हैं बताए आप कुंभ मेला में, लाखों लाखों लोग आते हैं कुंभ मेला में। और क्या इसलिए आते हैं, सिर्फ स्नान करने आते, एक ही दिन स्नान करते, सुबह आते शाम को निकल जाते। और कभी कभी कुंभ मेला के स्नान के दिन ना लोगों को चल के आना पड़ता है 6 किलोमीटर से, स्टेशन से रिक्शा विक्शा बंद, चल के आना पड़ता है, तो इतनी भीड़ होती है, रिक्शा कहाँ रखेंगे, चल के आना पड़ता, चलते चलते थक जाता है आदमी, फिर भी चल के आते हैं लोग, गांव गांव से, खेड़े गांव, कहाँ कहाँ से, देहात से आते हैं स्नान करने के लिए। तो अक्सर इतनी भीड़ में क्या होता है, कभी कभी व्यक्ति घूम सकता है, तो इसीलिए वहां पर क्या होता है, एक बड़ा अनाउंसमेंट चलते रहता है, खोया और पाया केंद्र, लॉस्ट एंड फाउंड, सब जगह अनाउंसमेंट चलती रहता है।
हाँ ये माता जी घूम गई है, इसका नाम ये है, इसके जो भी रिश्तेदार जहां पर भी हो इस जगह पे आ जाइए, ऑफिस में अपनी माँ को लेके जाइए, या फिर ये बूढ़े वृद्ध यादव जी घूम गए हैं, उनका बेटा जहाँ पर भी है आ जाओ, आपके लिए राह देख रहे हो, या ये बच्चा रो बच्चा घूम गया है, कंटिन्यूस अनाउंसमेंट चलते रहता है पूरा दिन। तो उस समय कुंभ मेला के वक्त एक छोटा बच्चा घूम गया, तो उसको ढूंढ के किसने उस खोया पाया केंद्र, लॉस्ट एंड फाउंड केंद्र में जाके दे दिया, डिपॉजिट कर दिया उस बच्चे को। तो वहां पे जो लोग थे ना, बैठे थे लोग, वो लोग उसको पूछते थे, बेटा तेरा नाम क्या है? तो नाम होना चाहिए रमेश, शैलेश। वो बोला मेरा नाम मुन्नू है। तो मुन्नू ये क्या नाम है क्या? तो मुन्नू तो प्रेम से बोलते ना, प्रेम का एक नाम अलग है और असली नाम अलग है। लेकिन बच्चा इतना छोटा था कि उसको असली नाम मालूम नहीं, उसको बोलते मेरे माँ मेरे को मुन्नू बुलाती। अच्छा मुन्नू, अभी मुन्नू तो इतने मुन्नू होंगे पूरे कुंभ मेला में आए होंगे, मुन्नू चुन्नू पुन्नू करके ना। तो फिर कहा ठीक है, तुम्हारे साथ में कौन था? बोले माँ। अच्छा तुम्हारी माँ का नाम क्या है? मेरी माँ का नाम माँ है। बोले माँ का नाम ही माँ है, अभी कैसे इसको आइडेंटिफाई करना चाहिए, नाम मुन्नू माँ का नाम माँ। ठीक है बोला, तुम्हारे माँ का नाम माँ, गाँव का नाम क्या है? गाँव का नाम बता दे। हाँ ठीक है, तो माँ का नाम माँ है, मेरा नाम मुन्नू है। तो माँ तुम्हारी कैसे दिखती है? माँ मेरी बहुत सुंदर दिखती है, बहुत सुंदर है, बहुत मीठी है माँ मेरी। तो बहुत जोर का गला बेटा रो रहा था, माँ की दर माँ की दर। तो सारे अभी जो ऑर्गेनाइजर थे लॉस्ट एंड फाउंड केंद्र के, वो जो है अब अनाउंसमेंट कर, क्या अनाउंसमेंट? मुन्नू खो गया है, उसकी माँ जिसका नाम माँ है उसको आके लेके जाए। अभी किसको मालूम पड़ने वाला पूरे इतने लाखों में मुन्नू चुन्नू कौन है और उसकी माँ कौन है? कुछ घंटों के बाद सच में उसकी माँ आ गई, ढूंढते ढूंढते जैसे माँ को देखा ना, मुन्नू रो रहा था बेचारा, वो भाग के गया और गले लगाया माँ। और ये ऑर्गेनाइजर सोचते कि ये उनकी माँ है, जब देखा उस माँ को ना, उन्होंने पतली थी, गाल वाल अंदर चले गए थे, बेचारी बहुत तपस्या करती, गरीब घर के होंगे वो लोग शायद, दिखने में इतनी सुंदर नहीं थी। लेकिन ये बच्चे ने क्या कहा था कि मेरी माँ सबसे सुंदर है, हाँ मेरी माँ सबसे सुंदर है, सबसे ज्यादा प्रेम करती है मुझे। तो ये ऑर्गेनाइजर सोचता था कि बच्चे के आंख में ना उसकी माँ सबसे सुंदर है और उसे एक ही मालूम है कि ये मेरी माँ है, और कुछ भी उसको संसार में, तुम गाँव का पता मालूम नहीं उसको, इसका पता नहीं, बस मेरा मेरी माँ ये है। तो सोचिए एक कोई साधारण स्त्री जो माँ है उसके प्रति उसके बच्चे का इतना प्रेम हो सकता है, तो सोचिए कि कितना प्रेम होगा उस व्यक्ति के प्रति हमारा होना चाहिए जो सच में पूरे विश्व की माँ है और सच में सबसे सुंदर माँ है, राइट? कितना प्रेम होना चाहिए हमको हमारी माँ के प्रति। लेकिन हमें माँ